ज्योतिष शास्त्र में सोमवार का दिन शिवजी को समर्पित है। इस समय भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन माह चल रहा है, जहां 25 जुलाई को सावन महीने का दूसरा सोमवार और शुभ संयोग में प्रदोष व्रत था, वहीं सावन के अन्य दो सोमवार 1 अगस्त और 8 अगस्त को पड़ने वाले हैं। न सिर्फ सावन के पूरे महीने बल्कि खास तौर पर सोमवार के दिन भोले बाबा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा सावन सोमवार कई तरह के ग्रह दोषों को दूर करने का उपाय करने के लिए भी बहुत उत्तम माना गया है। खास तौर पर चंद्र दोष दूर करने के लिए सावन सोमवार का दिन बहुत शुभ माना जाता है। सावन सोमवार के दिन चंद्र दोष निवारण के उपाय करने से जीवन के कई कष्ट दूर हो सकते हैं। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल न्यूज नेशन श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। चंद्र दोष के कारण कई तरह की समस्याएं होती हैं। खास तौर पर चंद्र दोष के कारण नींद, थकान, तनाव आदि की समस्याएं होती रहती हैं। चंद्र दोष व्यक्ति की सेहत पर बुरा असर डालता है, इसलिए चंद्र दोष को दूर करने के लिए जल्द से जल्द उपाय कर लेना ही बेहतर माना जाता है। यदि कुंडली में चंद्र दोष है तो सावन सोमवार का दिन इसके निवारण का उपाय करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यदि कुंडली में चंद्र दोष हो तो सोमवार का व्रत रखें, संभव हो तो सावन महीने के सभी सोमवार के व्रत रखें। इसके साथ ही विधि विधान से पूजा करें, खास तौर पर चंद्रदेव का पूजन करें। रुद्राक्ष की माला से ओम श्राम श्रीम श्रम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करना न भूलें। भगवान शिव चंद्रमा को धारण करते हैं, इसलिए चंद्र दोष को दूर करने के लिए शिव जी की पूजा करना बहुत शुभ उपाय है। इसके लिए सोमवार को शिवलिंग पर चांदी के लोटे से दूध चढ़ाएं, साथ ही अन्य सफेद चीजें जैसे दही, सफेद कपड़े, सफेद चंदन, चावल और मिश्री भी अर्पित करें। साथ ही इनका जरूरतमंद लोगों को दान भी करें। इसके अलावा चंद्र दोष दूर करने के लिए चांदी की अंगूठी में मोती धारण करना भी बहुत अच्छा उपाय माना गया है। मोती धारण करने के लिए सोमवार का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उस पर सावन के सोमवार में विधि विधान से मोती धारण करना और भी अपना तेजमय असर दिखाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।